इसराइल का इराक में बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिला है और इसराइल का इराक में मौजूद जिहादी ठिकानों पर बड़ा हमला। ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने धुआं धुआं हो चुके हैं। आपको बता दें इराक में IDF की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर बड़ी है। इस हमले में इराक में मौजूद ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने कैसे तबाह हुए उसको लेकर किए जा रहे बड़े दावे, ये तस्वीरें देखिए। इसराइल का इराक में मौजूद जिहादी ठिकानों पर वार, ये वही तस्वीर आपके सामने। ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स पर अटैक। और बड़ी खबर है इसराइल की इराक पर भीषण बमबारी हुई है। जॉर्डन से आए थे इसराइली फाइटर जेट, इराक के बेबिलोन इलाके पर यह बमबारी की गई है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर इसराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमलों के बीच देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, चारों तरफ आग लगी हुई है, भीषण बमबारी की गई है और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इजरायली हमले की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता है। इस वक्त दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जब IDF के फाइटर जेट इराक पर बॉम्ब बरसा रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। इजरायल का ये एक्शन ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के खिलाफ है। तबाही की ये तस्वीरें अब आपके सामने, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने रखी है, जहां देखिए किस तरीके से इसराइल का एक्शन अब देखने को मिल रहा है। और इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हुई एयर स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम सामने आ रहा है। पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल किया गया है। आपको मध्य पूर्व में जॉर्डन कितनी अहम पोजीशन निभा रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं और ये इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अगर महायुद्ध हुआ तो जॉर्डन कैसे इजराइल के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने ये लोकेशंस भी रखते हैं और इन लोकेशंस के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको आज की परिस्थिति समझ आएगी, जहां 1967 के युद्ध के बाद इसराइल जॉर्डन में मजबूत सामरिक सहयोग के तौर पर तो रहा ही है, जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट इसराइल की मदद से पूरे भी हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये देखिए कि किस तरीके से जॉर्डन की ये लोकेशन इन तमाम वॉर फ्रंट के बीच सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है। और क्योंकि जॉर्डन सामरिक सहयोग के तौर पर इजराइल के साथ जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहा है, जाहिर सी बात है अगर आज की स्थिति में यहां और यहां हर तरफ अगर हालात बिगड़ते हैं तो जॉर्डन भी जाहिर सी बात है इसकी चपेट में आ सकता है। अब इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए कैसे जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट्स भी इसराइल की मदद से पूरे हुए हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन है जहां पर आपको ये बता दें कि इसराइल ने जॉर्डन को बफर स्टेट के तौर में उभारा है और पिछले हफ्ते ईरान के इसराइल पर अटैक के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को भी रोका था। अब ये मूवमेंट जरा गौर से समझिए, क्योंकि ईरान से युद्ध हुआ तो जॉर्डन की इसराइल को मदद निर्णायक साबित हो सकती है। इंपॉर्टेंट यही है कि इसराइल जॉर्डन का गठजोड़ मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मनीष, इस वक्त आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस हालात में क्या स्थिति उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल के एक्शन तो अब लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसराइल और ईरान के बीच चूंकि 1500 किलोमीटर से अधिक का फासला है, तो वैसे में इसराइल को एयर स्पेस चाहिए। वो एयर स्पेस या तो जॉर्डन के थ्रू मिल सकता है या इराक होकर मिलेगा या फिर सीरिया होकर मिलेगा, तभी इसराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। उसमें जो सबसे दोस्ताना एयर स्पेस है वो जॉर्डन का है और हमने देखा कि जब 13 अप्रैल को हमला हुआ ईरान की तरफ से तो किस तरह से जॉर्डन ने इसराइल की खुलकर मदद की। अब सवाल यह है कि जब इसराइल हमला करेगा ईरान पर, मिसाइलों से हमला करेगा, तो क्या उस वक्त जॉर्डन अपना एयर स्पेस देगा, क्योंकि जॉर्डन को भी पता है कि अगर ऐसा वो करता है तो ईरान का अगला हमला जॉर्डन पर भी होगा। लेकिन चूंकि इसराइल और जॉर्डन के बहुत अच्छे संबंध हैं, साथ ही साथ जॉर्डन में बहुत बड़ा अमेरिकी बेस भी मौजूद है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि जॉर्डन खुलकर इसराइल का साथ देगा और उससे देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि अगर अलायंस में इसराइल और अमेरिका के साथ उन्हें बने रहना है तो। लेकिन अहम बात यह है
कि अगर आप देखें कि इसराइल की तरफ से सीधे सीधे इराक तक आक्रमण हो रहे हैं, इराक में ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब साथ है कि ईरान समर्थित जो भी गुट जहां पर मौजूद है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, उन सब पर इसराइल का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक वो डायरेक्ट ईरान पर हमला।